Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Yes, it's totally free. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको आपके अंदर एक ऐसी पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जिसे आपको सफल होने से रोक सके। आपके अंदर ऑलरेडी एक ऐसी पावर बैठी हुई है जिससे आप अज्ञान हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं। अगर उस ताकत को आपने पहचान लिया, उस ताकत पर आपने काबू पा लिया, तो आप हर काम में सफल हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, किसी भी एफ टू जेड किसी भी क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिल्कुल भारद्वाज है, नॉलेज ज्ञान में आपका स्वागत है। आइए कुछ नया जानते हैं। Please subscribe for latest and reliable tech video and don't forget to press bell icon. दोस्तों, हमारा माइंड जो है वो दो पार्ट्स का बना होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के अंदर हम जो भी हम चीज लॉजिक लगा रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, ये सारी बातें हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। इसके उपरांत हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो विश्वास होते हैं, हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ये सारी की सारी हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर हम सिगरेट छोड़ने का प्लान कर रहे हैं या दारू छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, तो जो हम प्लान कर रहे होते हैं ये चीज तो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर चल रही होती है। अब अगर कोई डॉक्टर आकर बोल दे कि तुम्हारे लिए ये सिगरेट बिल्कुल हानिकारक है, तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हें पूरी तरह से सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें पूरी तरह से दारू छोड़नी पड़ेगी, तो ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर फीड हो जाती है। पूरी की पूरी बात जो हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बातें बैठी होती हैं, यहीं से हमारा बिलीफ सिस्टम चालू हो जाता है। बचपन से हम कोई भी बातें जो सुनते चले आ रहे होते हैं वो चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बैठी हुई होती हैं और यहीं पर एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, इसकी जो पावर होती है वो केवल 10% की होती है और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है वो होती है 90%। मतलब हमारा जो काम कर रहा होता है वो 24 घंटे में कम से कम 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, तो आपके लिए जिंदगी के हर काम आसान हो जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं होता जिसे आप हासिल ना कर सकें। जरूरत होती है तो सिर्फ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की। जैसे एक घुड़सवार होता है, घोड़े के अंदर 90% की ताकत है, पर जो घुड़सवार है उसके अंदर 10% की ताकत है, 10%। लेकिन वो घुड़सवार क्या करता है, वो घुड़सवार अपनी ही 10% की ताकत के साथ उस 90% की घोड़े की ताकत को काबू में करके चला लेता है और घोड़ा अपने आप चलता रहता है। यही चीज हमारा माइंड करता है। 10% का कॉन्शियस माइंड हमारे 90% के कॉन्शियस माइंड को अगर काबू कर लेता है तो हम अपनी लाइफ में हर काम इजी कर सकते हैं, हर काम आसानी पूर्वक हमें लगने लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, बिल गेट्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, एडिसन हो गए, ये सब इतने सक्सेसफुल क्यों इंसान है, क्यों इतने ब्रिलियंट है, क्यों? क्योंकि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानते हैं। इन्हें पता होता है कि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर किस तरीके से काबू पाना है। जो अपने इस पावर को समझ जाते हैं वो ब्रिलियंट कहलाए जाते हैं। जितने भी सारे ब्रिलियंट्स होते हैं ये सब अपने इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अच्छे से समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए बहुत सारे शोध भी हुए हैं। इसमें मैं एक शोध के उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। बहुत टाइम पहले की बात है, जब इस पर शोध चल रहे थे तो एक कैदी था, उसको फांसी की सजा हुई थी। डॉक्टरों ने उस कैदी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट आजमाने के लिए जेलर से बात करके, लोक अदालत पे गए होंगे जो भी हैं, वहाँ से कह करके कि हम इस कैदी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि आप इसमें आप हमारी सहायता करेंगे। तो जब इन लोगों की बातचीत हो गई और जब उस कैदी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया तो उसके माइंड को पढ़ने के लिए
डॉक्टरों ने उससे कह दिया कि हम लोग आपको सांप से कटवाएंगे। अब चूंकि लोगों के दिमाग में ये बैठ हुआ होता है कि अरे सांप, इतना डर आ जाता है कि अरे सांप ने काट लिया मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वही चीज उसके अंदर वो डर बैठ गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पावर दे दी डर की कि यार सांप मुझे काटेगा मैं डर जाऊंगा। असल में हुआ क्या था, हुआ ये था कि डॉक्टरों ने उससे तो कह दिया था कि हम तुम्हें सांप से कटवाएंगे, पर डॉक्टरों ने सांप से ना काटने की बजाय उसे एक हल्की सी पिंच हो गई थी। पिंच होने से वो मरीज सदमे में चला गया और उसकी सदमे के कारण मौत हो गई। जब उसके मरने के बाद उसका ब्लड टेस्ट हुआ था तो आपको सुनकर के ये आश्चर्य होगा, उसके ब्लड में भी सांप का जहर पाया गया था। ये चीज एक शोध हुई थी, इसका प्रमाण भी है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ये तो बात होगी शोध की। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों की। जैसे कि किसी का रूटीन होता है सुबह उठकर के जॉगिंग पर जाना, तो उसे पता होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि सुबह उठने के लिए बहुत इजी काम है, आसान काम है। लेकिन जिसको ये पता हो कि यार सुबह कौन उठेगा कौन है, तो उसके लिए ये काम मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट होता है, अरे यार सुबह कौन उठेगा क्या है। और अगर इसी चीज को उसके सबकॉन्शियस माइंड सुन ले, समझ ले कि सुबह उठना बहुत आसान होता है, तो उसके लिए जॉगिंग करना बहुत इजी हो सकता है। हम लोग कई बार जिम जाने का प्लान भी बनाते रहते हैं कि यार जिम पे चलेंगे, सुबह उठ के जिम पे चलेंगे। हाँ, कई सारे दोस्त मिलकर के रेडी हो गए जिम पे जाने के लिए, लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म भी सेट कर दिया, सुबह 6 बजे का हाँ सेट हो गया, लेकिन जब सुबह 6 बजे का अलार्म बजता है तब क्या होता है, आप लोग उठते हैं जिम जा पाते हैं? कुछ लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ कुछ लोग होते हैं जो बाकायदा इस रूटीन के साथ चलते हैं सुबह उठ करके जिम जाने के लिए, जिन्होंने प्लान बनाया होता है चलते भी हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ कि अलार्म को बंद किया, सो गए, दोस्त का फोन आया, अरे बजने दे यार सो लेते हैं कल से चलेंगे, ये चीज होता है। पर एक बार अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लें कि सुबह उठने से मेरी हेल्थ काफी अच्छी होगी, सुबह जॉगिंग करने से जिम जाने से मेरा शरीर बनेगा, तब आपको ये काम बहुत इजी लगने लगेगा। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर होता है, कि किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काबू कैसे कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कैसे काबू कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक अगली वीडियो बनाकर दे दूंगा। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करिए दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।